now the time is around 6:45 AM एंड ये हम लोगों को कल ही पता चला कि बॉक्सिंग के क्लास के जो टाइमिंग्स हैं वो वापस एक एक घंटे के ब्लॉक में हो गए। पहले 45 मिनट के ब्लॉक में थे, तो इस वजह से आपकी जो क्लास है वो 7:30 AM शुरू हो रही है। इस वजह से आई एम लीविंग एट 6:45 AM। अंधेरा देख रहे हैं आप लोग, निकलते निकलते हम लोगों को एक बुरी खबर मिली है। बुरी खबर क्या खबर मिली है बेसिकली, वो ये है कि KCL यूनिवर्सिटी थी या पता नहीं KUL यूनिवर्सिटी थी, कोई यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया जहाँ पर मेरा नहीं हुआ है अपेरेंटली, तो उनका रिजेक्शन लेटर अभी आया था मेरे पास। इट्स रियली फनी बिकॉज अगर आप इन वीडियोज़ में पीछे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब वो LORs और उन सबका टाइम था तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट था सबको लेके। एंड आज एक ऐसा दिन है जब लाइक रिजेक्शन लेटर आया, आई एम नॉट एग्जैक्टली फीलिंग मच, आई एम नॉट फीलिंग मच बैड, मैं भूल गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो व्हेन प्रॉब्लम्स कैच ऑन टू यू दे फाइंड यू प्रिपेयर्ड राइट पीपल। तो फाइनली बॉक्सिंग इज डन, हम लोगों ने करे हैं, हम लोगों ने क्या मैंने करे हैं, सर ने मुझसे अलग से करवाए 100 जैब्स एक तरफ से, 100 जैब्स फिर साउथ पॉ स्टैंड से, 100 क्रॉसेस ऑर्थोडॉक्स स्टैंड से, 100 क्रॉसेस साउथ पॉ स्टैंड से, क्रॉस जैब का कॉम्बिनेशन हुक्स 200 फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स स्टैंड, हुक्स 200 फ्रॉम साउथ पॉ स्टैंड एंड देन जैब क्रॉस हुक फ्रॉम साउथ पॉ एंड ऑर्थोडॉक्स ईच 100। मेरे जो लैट्स हैं उनकी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि यूजली दोज आर द मसल्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं वेन यू आर बॉक्सिंग, एंड मतलब मुझे उनके अंदर इतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता हुआ महसूस हो गया था कि बाई दी एंड ऑफ इट मुझे स्ट्रेचिंग जो करनी होती है उसकी जगह मैंने फोम रोलर यूज़ किया है आज। तो आप समझ सकते हैं द गुड न्यूज़ इज़ वी हैव वर्क टू डू, मतलब जॉब वाला काम टू डू, एंड सभी आ चुका है दिल्ली में। अपेरेंटली उसका फ़ोन ख़राब हो गया था तो यहाँ पे सही कराने आया है, सो वो सब भी हैंडल करना है आज, देखते हैं कैसा रहता है। बात ये हुई है कि सभी जिस फ़ोन को ठीक कराने आया है वो फ़ोन अपेरेंटली ठीक हो गया है। अली मैं आप कुछ कहना चाहेंगी? अपेरेंटली ठीक हुआ है, नॉट कम्प्लीटली ठीक है। हाँ तो चल, हमारी आंखों के सामने अभी तक बंद नहीं हुआ है। हम तो ये कैसा क्राइटेरिया है? हमने नहीं देखा तो नहीं हुआ। अब मैं लेट से जाऊंगा, फिर दोबारा से होगा तो फिर मैं क्या करूं? 4 को आ तो रहा है। कभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस, क्योंकि लाजपत नगर से चेंज कैसे हुआ है ये तो हमने कोई इसमें कुछ सोचा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था इसमें। वैसे तो ये तो तुक्का है भाई, ये तो किस्मत है। शर्मिंदगी के अंदर हमें रियलाइज हुआ है कि हमारे फ़ोन के अंदर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इशू था और हार्डवेयर का कोई इशू नहीं था और वो सिंपली सॉल्व हो सकता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे फालतू आए हैं, सभी दिल्ली में फालतू में आए हैं और इस शर्मिंदगी को कोप करने के लिए सभी भाई ने ऑटो चलाने का आपसे निर्णय लिया है। सभी भाई ऑटो वाले भाई 160 में चलेंगे भाई, ACP चलेंगे 160। दिमाग में सीएनजी का दाम बढ़ गया है। हमने एक फिक्शन किताब ली है ताकि हम लोग रात में कुछ पढ़ पाए ठीक से, फालतू में वीडियो देखते देखते ना सोएं। और हलीमा और सभी ने कुछ नहीं लिया अपेरेंटली, क्योंकि इन दोनों को कुछ लेना था लेकिन इन लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आ पाया। तो हम ले लेते हैं, हमें ऐसा पता है, हम दोनों को ऐसा लगता है और हमें ऐसा पता है कि हम 100-100 में किताबें ले लेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अच्छे से ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में तो आ गए हैं लेकिन यहाँ से कुछ खरीदा नहीं जा रहा है हम लोगों से, क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस हो गई इन लोगों को। Decided to be the only smart person here and decided के यहाँ पे आके चुपचाप कॉफी का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तब तक ये दोनों अपनी बुक शॉपिंग कर रहे हैं अपेरेंटली, मुझे पता है दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड समथिंग सब्सटेंशियल और बस थोड़ी देर में तक क्या लोग आ जाएंगे। आई होप आई एम रॉन्ग बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट अ बुक फॉर देमसेल्फ्स। आई बेट इन लोगों ने कुछ नहीं खरीदा है, ये लोग बस आ गए हैं यहाँ पे थक हार के कॉफ़ी वगैरह पी के। यहाँ पे सैमसंग का नया स्टोर खुला है अपेरेंटली, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए, बट वी डू नॉट केयर। अब हम लोगों को बस घर जाना है, बस सोशल एनर्जी रहना हम लोगों की। हम लोगों की बाहर का कुछ पसंद नहीं आया तो रूम पे आके ब्रेड के साथ पीनट बटर खाया जा रहा है, यही होता है भाई हमेशा। जय हो डॉक्टर ओटकर्स पीनट बटर की। ये वीडियो का एंड, इससे आगे मेरे रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं है, 9:30 बज रहे हैं रात के। ये उमेर है, उमेर के साथ मैं जाके जल्दी से अपना प्रोटीन शेक पीऊँगा फिर हम जाके सो जाएंगे।